अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इजी टू वर्ल्ड चैनल। आज हम इसमें आपको बतलाएंगे कि इन्वर्टर एसी के कार्ड के मुतालिक कि इस कार्ड के अंदर कितने सेंसर लगे होते हैं और किस तरह ये काम करता है। ये एक सर्किट है आपके सामने इन्वर्टर एसी का, ये इसके टर्मिनल पॉइंट हैं। ये डेटन एसी इन कैनवुड का कार्ड है, ये देखें, ये इसके सेंसर लगे हुए हैं। ये तीन सेंसर हैं इसके, ये एक सेंसर, ये इसका दूसरा सेंसर और ये इसका तीसरा सेंसर। ये तीन सेंसर लगे हुए हैं इसमें, तीन सेंसर होते हैं इस एसी के अंदर। ये देखें कार्ड के अंदर ये तीन सेंसर लगे हुए हैं। एक सेंसर कंडेंसर पे लगा होता है, एक डिस्चार्ज पे लाइन पे लगा होता है और एक सेक्शन पे लगा होता है। और यहाँ पर इसके ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होते हैं दो। ये देखें, ये दो पोल पे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होंगे। ये देखें, दो टर्मिनल है, ए वन और ए टू। ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन लगे होते हैं यहाँ पर, इन दोनों पर ट्रांसफार्मर कनेक्शन होंगे और यहाँ पर कंप्रेसर के कनेक्शन आएंगे। स्टार्टिंग रनिंग कॉमन, तीनों कनेक्शन आएंगे यहाँ पर ये। और उसके बाद ये हमारा सेंसर हो गया, सेंसर के पॉइंट हो गए। और ये इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये इसके फैन मोटर के टर्मिनल हैं, इस पर फैन मोटर का जैक लगेगा। और ये इसके तीन सेंसर हो गए हैं, ये तीन सेंसर हैं इसके, तीनों सेंसर लगेंगे। ये कंप्रेसर के कनेक्शन हो गए, तीनों कंप्रेसर के कनेक्शन लगेंगे इस पर, वन टू थ्री। और ये ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो गए दोनों पॉइंट, इस पर ट्रांसफार्मर लगेगा। ये सर्किट है इन्वर्टर एसी का। और ये इसकी सप्लाई इंडोर टू आउटर जो आती है, ये उसे कनेक्शन है। लाइन वन न्यूट्रल और लाइन टू, इस कार्ट में F6 एरर की प्रॉब्लम है। हम आपको इसके मुतालिक बतलाएंगे अगली वीडियो में कि F6 का एरर किस तरह रिमूव किया जाता है और किस तरह इस कार्ट पर काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पूरी तफसील बताई जाएगी इसके अंदर और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने का मौका मिलेगा। इसको आप देखेंगे और आपको पता लगेगा वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिले। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। शुक्रिया इजी टू वर्ल्ड चैनल टेक्निकल